हेलो मित्रों, नमस्कार। अभी मैं चर्चा करूंगी आपके साथ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी अर्थात व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा। इसके संदर्भ में मुख्य रूप से बात करें तो इसे प्रतिपादित करने वाले कार्ल रोजर्स ने अपने इस चिकित्सा के संदर्भ में अनेकों रोगियों पर ये आजमाया और उन्होंने पाया कि मानसिक रोगी स्वयं एक भीतर से एक इतनी मजबूती रखता है कि थोड़ा सा अगर चिकित्सक उसको पुश करे, सहयोग करे, तो वो अपनी रोग के उपचार को स्वयं कर सकता है। लेकिन एक बार एक चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है। मुख्यतः ये अनिर्देशित एक चिकित्सा है, मानसिक चिकित्सा है, चिकित्सा की एक पद्धति है जिसके माध्यम से चिकित्सक और रोगी दोनों का इंटरैक्शन, अंतःक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होता है और दोनों ही अपने लिए एक अच्छा रिलेशन इसमें बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक अनिर्देशात्मक और आत्मनिर्देशात्मक चिकित्सा भी कहा जाता है। और चिकित्सक का इसमें सबसे ज़्यादा जोर जो होता है वो रोगी को हमेशा सक्रिय रखना, रोगी के साथ निरंतर संपर्क में रहना, रोगी के पूरी केस हिस्ट्री को एकत्र करना और रोगी के माध्यम से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रोगी के माध्यम से हो, क्योंकि रोगी जितनी ही अपनी बात को चिकित्सक के साथ शेयर करेगा उतना ही उसके रोग में सुधार की संभावना बनेगी। और इसको एक तरह से स्व संरक्षण भी कहते हैं कि रोगी अपने आप में स्वयं संरक्षित हो, लेकिन फिर अगर स्वयं संरक्षित होता तो उसको चिकित्सक की क्या आवश्यकता होती। तो इसके लिए ही ये चिकित्सक का प्रयास होगा कि वह स्व संरक्षित हो, लेकिन उसको ये एहसास नहीं हो कि उसको कोई ऑब्जर्वेशन में रखा है या उसको कोई इस तरह का कोई निर्देशन दे रहा है जो परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। एक परोक्ष निर्देशन हमेशा एक चिकित्सक की रोगी के साथ चलती रहती है और चिकित्सक हमेशा ये कोशिश करता है कि रोगी के ज्ञानात्मक संवेगात्मक परिपक्वता का विकास हो। अगर रोगी कहीं डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है या बिहेवियरल डिसऑर्डर से ग्रसित है तो उसका ज्ञान, उसको उसका एहसास कराना, उसका ज्ञान कराना, लेकिन इसके लिए सबसे पहले रोगी स्वतः चल के चिकित्सक के पास आता है। इस थेरेपी के अनुसार रोगी को अपने बीमार होने की, मानसिक रुग्णता की अवस्था का एहसास हो जाता है और वो एक बार चल के चिकित्सक के पास जाता है। तो यहीं से एक प्रारंभ होती है कि अगर रोगी को एहसास है कि वो रोगी है तो ही सही होने की पहली संभावना का द्वार खुलता है और वो तभी चिकित्सक एक स्वाभाविक विकास की तरफ उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। इसके लिए चिकित्सक सबसे पहले उसको स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र होकर उपचार करने की प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से उसको अपने विचारों की प्रस्तुति के लिए उसको छोड़ देता है। किसी प्रकार की दबाव में रखना इस चिकित्सा के अंदर मना है। बिना दबाव के स्वतंत्रता और सहजता के साथ रोगी को छूट देना जिससे वो अपनी बात को पूरी तरह से रख सके और बिना किसी हस्तक्षेप की सहायता करना, ये मूल बात है इसमें कि किसी प्रकार की हस्तक्षेप अर्थात कोई काउंसलिंग, कोई व्यवस्था परिवर्तन, कोई मेडिसिनल थेरेपी, इस तरह की एक बार प्रारंभ नहीं करके सिर्फ बिना हस्तक्षेप के उसके ज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास की बात करके, रोग से उसका परिचय करा के और स्व संरक्षण में डाल के रोगी जो है रोगी को चिकित्सक चिकित्सा करता है। और ऐसे में जो व्यक्ति होता है वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज में जब पहुंच जाए, स्वयं को समझने लगे, स्वयं को पहचानने लगे और अपने रोग को और अपनी एक सही अवस्था के अंतर को वो पहचान पाए, तभी जाके ये चिकित्सा सक्सेस होती है।
और इसमें क्लाइंट जो है, रोगी जो है, वो खुद अपने आप को हेल्प करने के लिए सक्षम हो जाए। और इतना चिकित्सक का सबसे पहले यही ड्यूटी है कि वो रोगी को इस प्रकार से काउंसलिंग करे कि रोगी स्वयं अपने आप से अपनी हेल्प कर पाए। और इसके लिए उसको ज़रूरी है कि वो क्लाइंट को बहुत ही बारीकी से समझे, बहुत ही गहराई में जाके उसके केस हिस्ट्री को समझे और उसको पूरी तरह से आइडियलाइज्ड और एक्चुअल रूप में उसको उसके सामने प्रस्तुत करें। उसके लिए डॉक्टर को, चिकित्सक को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें चिकित्सक को ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो डिफेंसिवनेस की अवस्था है, जो बचाव की अवस्था है, उसका लेवल बहुत लो हो। यानी कि रोगी अपने आप को बचाव में रखते हुए किसी प्रकार की बात करे, किसी प्रकार की अवस्था को प्रस्तुत करे, वो रोगी ठीक नहीं हो सकता। वो अपने आप को बचाव में नहीं रख के वो स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति करे और गिल्ट और इनसिक्योरिटी से वो ऊपर उठे। वो गिल्ट की फीलिंग के साथ भी चिकित्सक के पास नहीं आए और असुरक्षा के भाव को भी लेकर वो चिकित्सक के पास नहीं आए। मुक्त, गिल्ट और इनसिक्योरिटी की अवस्था से मुक्त होकर वो जब तक चिकित्सक से अपना एक संबंध स्थापित नहीं करता, तब तक इसमें रोगी को ठीक होने में थोड़ा समस्या आ सकती है। तो इसलिए इसमें चिकित्सक की एक मूल ड्यूटी ये बनती है कि वो उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करे और उसको कैपेसिटी को इंक्रीज करते हुए उसको दूर करे। तो और इसमें दूसरी जो चीज़ है वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स, किसी भी प्रकार की कंडीशन नहीं लगाए। चिकित्सक कभी भी जब कंडीशन लगा देगा कि ये करोगे तो ये होगा, हम ये करेंगे तब जाके ये होगा, कोई शर्त लगा दे तो मुश्किल होता है थोड़ा। इसलिए प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि स्वतंत्र रूप से रोगी को छोड़ दें और बिल्कुल हल्का वातावरण के साथ उसको, उसके अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करें। तो इसलिए उसको चिकित्सक को जिस रूप में रोगी है टोटली उसी रूप में उसको एक्सेप्ट करना और एक इम्पैथिकल रिलेशनशिप बिल्ड करना, जो उसको कहते हैं तादात्मानुभूति के साथ संबंध स्थापित करने की व्यवस्था, जिसके माध्यम से चिकित्सक रोगी के रोग को तो समझेगा लेकिन वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसको रास्ता बताएगा, उसको रोग मुक्त होने के लिए प्रेरित करेगा लेकिन स्वयं किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा और उसको इमोशनल शो करेगा। जैसे रोगी के सामने चिकित्सक ये प्रस्तुत करेगा कि वो इमोशनली आपसे अटैच्ड है और वो आपको सही होने के लिए आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाया है। और इस तरह से ओपननेस और जेन्युइननेस, एक खुलापन और एक पवित्रता बहुत ज़रूरी है कि इसमें, और एक विश्वास, विलिंगनेस, तीनों ही चीज़ें जब इस संबंध, रोगी और चिकित्सक के संबंध के बीच में ये तीनों चीज़ें जब स्थापित होंगी तभी रोगी अपनी बात को स्वतंत्र रूप से खुल के रख पाएगा और तभी रोगी के सुधार की संभावना बन पाएगी। इसलिए अब हम कंडीशन की बात करते हैं, कौन सी कंडीशन होगी। तो थेरेपिस्ट, क्लाइंट, साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट और फिजियोलॉजिकल कॉन्टैक्ट, वो सबसे पहले क्लाइंट रोगी के पास अपने स्वयं को लेकर एक बार संपर्क करेगा और अपनी बात को, क्लाइंट अपनी बात को स्वतंत्रता से अपनी बात को वहाँ रखेगा। और तब जब क्लाइंट अपनी बात को पूरी तरह से प्रस्तुत कर देगा तब चिकित्सक फिर अपनी बात को उसे समझाने का प्रयास करेगा कि उसमें एक अंतर्दृष्टि का अभ्युदय प्रस्तुत करेगा। बहुत ज़रूरी है कि जब क्लाइंट ने अपनी बात को चिकित्सक के सामने रख दिया तो चिकित्सक उस समय रोगी के अंदर एक सूझबूझ पैदा करेगा, एक अंतर्दृष्टि पैदा करेगा, इनसाइट डेवलपमेंट करेगा, जिसके माध्यम से रोगी स्वयं के लिए समझने को, सोचने को और व्यवस्था करने को प्रेरित होगा। और फिर
अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स की बात मैंने की। तीसरे नंबर पर हम अगर बात करें तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स, जिसके माध्यम से चिकित्सक कभी भी कोई कंडीशन के नहीं लगाएगा, बिना किसी कंडीशन के वो उसको प्रमोट करेगा कि वो आगे बढ़े और वो उसके साथ है, उसको ये एहसास कराते हुए कि चिकित्सक रोगी के साथ है और वो बिना किसी कंडीशन के आगे बढ़ेगा। और इम्पैथिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है इसमें। इम्पैथिकल अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथी अगर रोगी के अंदर होता है तो भी चिकित्सा में बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए इम्पैथिकल रिलेशनशिप क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद क्लाइंट का परसेप्शन जानना, क्लाइंट का परसेप्शन, क्लाइंट अब जब इस स्टेज तक पहुंच गए कि दोनों में इंट्रैक्शन लेवल बढ़ता चला गया, तो क्लाइंट अब कहां तक पहुंचा, और समय समय पर काउंसलिंग के माध्यम से क्लाइंट को एक उपचार की दृष्टि से, जो कि उसे पता नहीं हो कि वो उपचार की प्रक्रिया उसके साथ चल रही है, लेकिन रोगी को ये पता हो कि एक व्यक्ति है जो उसका अपना है और उससे वो अपनी बात रख सकता है, और इस ऐसी अवस्था विकसित करते हुए ही एक घनात्मक प्रयास, एक जुड़ने का प्रयास करना इसकी प्रक्रिया में ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो क्लाइंट है वो अपने एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सेल्फ के संदर्भ में क्लाइंट चिकित्सक को पूरा डिस्कस करेगा, चर्चा करेगा, और उसको रोगी को ये लगना चाहिए कि मैं रिकग्नाइज हो रहा हूँ, मैं एक थेरेपिस्ट से मेरी पहचान बन रही है, और ये वो थेरेपिस्ट है जो मेरे एक्चुअल कंडीशन को समझने का प्रयास कर रहा है और मेरी सच्चाई को सुनने का प्रयास कर रहा है। जब इस लेवल पर रोगी का विश्वास चिकित्सक को मिल जाएगा तभी वो आगे बात कर पाएगा, और चिकित्सक इसके लिए उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस के संदर्भ में विस्तृत से चर्चा करना जरूरी समझेगा। चिकित्सक को इसके लिए विस्तृत एक्सपीरियंस को समझना ही होगा, क्योंकि वो जब तक उसके एक्सपीरियंसेस किस तरह के हैं, चाहे वो रोग से संबंधित हो, सोसाइटी से संबंधित हो, किसी डॉक्टर से संबंधित हो, उसके परिवार से संबंधित हो, उसे किसी भी क्षेत्र में जो भी अपने उसके व्यक्तिगत अनुभव हैं उसको समझना रोगी के लिए बहुत ज़रूरी होगा, और इसके लिए वो प्रयास करेगा। और फिर क्लाइंट जो है अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, वो क्या अनुभूति करता है, या तो फैमिली में, सोसाइटी में, या डॉक्टर के साथ, या अपने रोग के प्रति उसकी क्या फीलिंग है, वो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से और अगर वो नया एक्सपीरियंस कुछ होता है जो डॉक्टर के साथ होता है, चिकित्सक के साथ होता है, उसको वो खुल के पीछे के एक्सपीरियंस से तुलना करते हुए और ओपनली खुलेपन के साथ चिकित्सक को वो चर्चा करे, उसके लिए कुछ टेक्निक्स भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे लिसनिंग, एक्सेप्टिंग, रिस्पेक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, सुनना, स्वीकार करना, उसका सम्मान रखना, उसको समझना और उसको प्रत्युत्तर देना। इतनी टेक्निक के साथ ही इस चिकित्सा को आगे बढ़ाया जा सकता है और रोगी पूर्णतया ठीक हो सकता है। क्यों, लिसनिंग में आपको रोग चिकित्सक को पूरी उसकी अवस्थाओं को, उसके कारणों को, उसके जो भी वो शेयर करना चाह रहा है, उसके फीलिंग्स को, उसके अनुभूतियों को सुनना आवश्यक होगा, और उसी रूप में ही उसको एक्सेप्ट करना जरूरी होगा। रोगी को उसी रूप में चिकित्सक के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, फिर चिकित्सक उसको रिस्पेक्ट देगा। ये नहीं कि अगर रोगी में कोई कमी है या वो एक्सेप्शन है या कोई विचलित है, किसी भी प्रकार का कोई दोष है, तो वो उसको स्वीकार ना करे या उसको रेस्पेक्टफुली ना देखे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होने से फिर चिकित्सा नहीं हो पाएगा, तो वो उसको रेस्पेक्ट पूरा दे और रेस्पेक्ट देते हुए ही रोगी को समझे और फिर वो रेस्पॉन्ड करे उसको। तो ये टेक्निक के साथ इस चिकित्सा को किया जा सकता है, और इसमें रोगी और चिकित्सक दोनों इस स्टेज तक रिलेशनशिप को कायम रखें जहाँ तक रोगी पूर्णतः अपने आप को स्वस्थ महसूस ना करे और बिल्कुल ओपननेस, खुलापन ना आ जाए,
और वो अपने आप को चिकित्सक से अलग न समझे। चिकित्सक के साथ उसका मिलना, तदात्मीकरण होना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो ये तो हमारा क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी पर कुछ बातें थी। अगर आपके कोई सुझाव आएंगे तो हम आगे कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी हम आपसे के साथ चर्चा करें। धन्यवाद।